हेलो दोस्तों, बॉस ऑफ इंडिया शेयर बाजार में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम एक ऐसे शेयर से रिलेटेड बातें करने वाले ओके जिसका रिजल्ट काफ़ी अच्छा आया है और के जिस वजह से इसका टारगेट भी कुछ बहुत ऊपर बताया जा रहा है। जो अभी शेयर है लगभग 50% ऊपर उसका टारगेट और बताया जा रहा है, तो आप 50% ज़्यादा और कमा सकते हैं। जैसे कि ICICI डायरेक्ट ने उसका टारगेट बताया है, और अगर हमें पैसा कमाना है जैसे कि आपको पता है कि बड़े बड़े शेयर है उनमें हम पैसा कमा सकते हैं, नो डाउट रिस्क फ्री होकर पैसा कमा सकते हैं, बट उतना ज़्यादा रिटर्न नहीं मिल सकता कि जितना ज़्यादा रिटर्न हमें स्मॉल कैप और मिड कैप। अभी आप देखेंगे बड़े बड़े इन्वेस्टर्स को, तो दे आर लाइक गोइंग टू इन्वेस्ट इन स्मॉल कैप एंड द मिडल कैप सेक्टर। तो वहाँ पर अलग अलग, तो ऐसे ही एक शेयर है यहीं पर ही जो मैंने सर्च किया, उसका रिजल्ट काफ़ी अट्रैक्टिव लग रहे हैं इस बार के, तो जिस वजह से मैं आपको उसके थोड़ा फंडामेंटल्स एनालिसिस करके देखेंगे एज वेल एज उसका थोड़ा रिजल्ट की तरफ भी नज़र मारेंगे ओके और शेयर के बारे में बात करेंगे। शेयर क्या है, देखिए उससे काफ़ी टाइम से वो काफ़ी परफॉर्म नहीं कर रहा था, बट कुछ ये पिछले 2 क्वार्टर से काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहा है। तो आइए इससे रिलेटेड बात कर लेते हैं। तो बिफोर दैट वीडियो शुरू करें, हम शेयर के बारे में बातें कर रहे हैं, मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा आप हमारे चैनल बॉस ऑफ इंडिया शेयर बाजार को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए फैमिली फ्रेंड्स के साथ, एज वेल एज हमारी इस वीडियो को लाइक और कमेंट कर दीजिए ताकि हमारा हौसला बढ़ता रहे। तो आइए पहले शेयर की तरफ चलते हैं। तो मैं आपको पहले रिटर्न्स दिखाना चाहता हूँ। देखिए रिटर्न्स कुछ खास यहाँ पर नज़र नहीं आ रहे, टू बी वेरी फ्रेंक मैं ऐसा आपको सब चीज़ दिखाना चाहूँगा। 1 डे का पॉजिटिव, 1 वीक, 1 मंथ, 3 मंथ्स और 6 मंथ का ही पॉजिटिव है, बट कंपनी काफ़ी पुरानी है और काफ़ी पुरानी है तो हमें सब कुछ नेगेटिव नज़र आ रहा है। मैंने आपको ऑलरेडी शुरू में ही बता दिया है, इस पिछले 2 क्वार्टर से काफ़ी अच्छा रिजल्ट पेश कर रहा है, जिस वजह से ये शेयर को मैं यहाँ पर पिक करके लाया हूँ। मेरी कोई रिकमेंडेशन नहीं है कि आप इसे बाई करें या सेल करें, जस्ट फॉर नॉलेज मैं यहाँ पर लेके आया, क्योंकि छोटे रिस्क थोड़ा रिस्क होता है इन शेयरों में, बट हमें रिस्क भी थोड़ा बहुत लेना पड़ता है। कम ही प्राइस है शेयर का भी, और शायद अच्छा बढ़ गया तो हमें अच्छा रिटर्न प्रोवाइड कर दे। तो ये तो आपको नेगेटिव में ही नज़र आ रहा है सब कुछ ओके, 10 साल में भी देखेंगे तो -40% के यहाँ पर लॉस में ही दिखा रहा है। एज वेल एज हम यहाँ पर प्रमोटर की हिस्सेदारी देख लेते हैं। देखिए प्रमोटर्स के पास 55.99% की हिस्सेदारी है ओके, फॉरेन इन्वेस्टर्स के लिए थोड़ी सी हिस्सेदारी कम करी है तो अभी भी लगभग 17% की हिस्सेदारी है। म्यूचुअल फंड के पास लगभग 14% की हिस्सेदारी है, इंश्योरेंस कंपनी 6.07, DIS 0.33 और इंस्टीट्यूशन 6.53। मतलब सब ने, फॉरेन इन्वेस्टर ने, म्यूचुअल फंड ने, इंश्योरेंस कंपनी ने, डोमेस्टिक इन्वेस्टर ने, फॉरेन इन्वेस्टर ने, सब ने इसमें हिस्सेदारी ले रखी है, मतलब इसके शेयर खरीद रखे हैं। और प्लेजिंग की बात की जाए तो कोई भी शेयर इनका प्लेज नहीं है, तो ये काफ़ी अच्छी बात है। और एक बार बैलेंस शीट की तरफ देख लेते हैं। तो देखिए बैलेंस शीट रिजर्व्स एंड रिजर्व्स पर सरप्लस की बात की जाए तो रिजर्व्स है इसके लगभग 42,524.05 करोड़ ओके, जो कि कंटिन्यूसली बढ़ते जा रहे हैं, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। लॉन्ग टर्म बोरिंग की बात की जाए, देखिए फाइनेंस सेक्टर की ये शेयर है तो देखिए बोरिंग तो होना लाजमी है, तो बोरिंग तो होगी, तो लगभग कितना 2,31,158.62 करोड़ रुपीज़ के लॉन्ग टर्म बोरिंग है। शॉर्ट टर्म बोरिंग की बात की जाए तो लगभग 79,116.06 करोड़ रुपीज़ के शॉर्ट टर्म बोरिंग भी है ओके। एज वेल एज अगर हम बात करें करंट इन्वेस्टमेंट की तो देखिए इन्वेस्टमेंट भी काफ़ी अच्छा कंपनी ने कर रखा है और काफ़ी बड़े लेवल पर कर रखा है, जो कि काफ़ी बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। 410 था पहले, फिर 1325, 2520, 16,586 और अभी लगभग 16,473.32 यहाँ पर करोड़ रुपीज़ का करंट कंपनी ने करंट इन्वेस्टमेंट कर रखा है। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट की बात करें तो देखिए लगभग 198.99 करोड़ रुपीज़ का ओके कैश एंड कैश इक्विवेलेंट है, जो कि पिछली बार 14,200 करोड़ रुपए का था, तो काफ़ी है इसमें गिरावट है। बैलेंस शीट इतनी अट्रैक्टिव नहीं नज़र आ रही ओके, शेयर का जो रिटर्न्स थे वो भी इतने अट्रैक्टिव नज़र नहीं आ रहे। और शेयर का देखिए ये चार्ट पैटर्न हम देख लेते हैं। पहले शेयर का नाम मैं आपको बताता हूँ, पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड है, तो फाइनेंस से रिलेटेड कंपनी है और फाइनेंस ये एक गवर्नमेंट कंपनी है ओके, इंडियन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। तो ज़्यादा जो इसके शेयर है ओनर क्या है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मतलब प्रेसिडेंट मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, तो ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर में ये शेयर आता है। तो 1 डे का परफॉर्मेंस देखेंगे, देखिए लगभग 2.12% की यहाँ पर जंप देखी गई है ओके। 5 डेज का भी चार्ट पैटर्न पॉजिटिव नज़र आ रहा है, 5 डेज पहले ये 93 रुपीज़ में आपको मिल रहा था, 1 मंथ का देखिए लगभग 84 रुपीज़ का, 6 मंथ का देखेंगे तो यहाँ पर 75 रुपीज़ का हम कह सकते हैं ओके। तो इसी कंसोलिडेशन फेज़ में, और ये लगभग पेंडेमिक से पहले कितने का, 132 रुपीज़ का ये शेयर चल रहा था, जो कि अभी
81 रुपीज़ के आसपास चल रहा है। देखिए अगर इससे भी कंपेयर किया जाए ओके, तो ये शेयर अभी भी कितना लगभग 23% नीचे है। तो इस लेवल पर तो देखो आना ही है शेयर को, क्योंकि पेंडेमिक से अभी गिरा है, तो कोई भी फाइनेंस शेयर अपना जिस लेवल पर गिरा है उस लेवल पर तो अभी तक पहुंचा नहीं है, और इस लेवल पर आनी है 101 रुपये का। तो अभी भी यहाँ पर 23-28% के रिटर्न हमें साफ नज़र आ रहे हैं। 1 ईयर का परफॉर्मेंस नेगेटिव, 5 ईयर्स का नेगेटिव, बट मैक्सिमम देखें तो मैक्सिमम चार्ट पैटर्न देखिए, वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा है शेयर में, बढ़ता है फिर उसी हिसाब से गिर जाता है, फिर बढ़ता है फिर गिर जाता है, फिर बढ़ता है फिर गिर जाता है। 52 वीक हाई की बात करें तो 133.40 इसका 52 वीक हाई इसका है। तो शेयर में वॉलीटिलिटी बहुत ज़्यादा है ओके, छोटा सा ही शेयर है इसलिए मैं आपको सामने लेके आया हूँ। और अभी भी ये अपने जो 52 वीक हाई है उससे तो लगभग 30% का नीचे चल रहा है, 28-30%। तो इसमें हम थोड़ा बहुत ले के देख सकते हैं इस शेयर को, एज वेल एज हम इसमें पी रेशो की बात करें, कहा जहाँ पर सेक्टर का पी रेशो 28 है, तो इसका पी रेशो भी काफ़ी कम है, 4.38 का इसका पी रेशो है, तो काफ़ी अट्रैक्टिव नज़र यहाँ पर ये आ रहा है। और जैसे कि आज की बात की जाए तो लगभग 26% के यहाँ पर डिलीवरीज उठाती हुई नज़र आ रही है। कंपनी के मैं शेयर होल्डिंग पैटर्न्स आपको ऑलरेडी बता दिया है, ये डिविडेंड भी कंपनी देती आ रही है, लास्ट ईयर ने दिया था बट 2018 और 20 में डिविडेंड भी दिया है, और कोई भी शेयर इनका प्लेस नहीं है। तो ये तो होगी सारी की सारी बात इससे रिलेटेड। अब देख लेते हैं, देखिए आईसीआईसीआई बैंक, 1 महीने पहले ही आईसीआईसीआई बैंक ने इस शेयर को कहा है कि इसका जो टारगेट प्राइस है वो कितना है, 151। अभी कितना चल रहा है, अभी चल रहा है 101 रुपये पे, तो लगभग लगभग 49 रुपीज़, मतलब 50% अभी भी गुंजाइश है कि ये शेयर 50% का, मतलब 150 पे अगर ये चला जाता है तो आपको उस तरीके के रिटर्न ये दे दे ओके। काफ़ी इतनी अगर अच्छी कंपनी नहीं आता, इतनी बुरी भी कंपनी नज़र नहीं आई ओके। और एक चीज़ और दिखाना चाहता हूँ जो मैं यहाँ पर रिजल्ट, तो देखिए रिजल्ट्स देख लेते इस बार के, क्योंकि इसी के वजह से मैं आपको इस लेके आया हूँ, वरना मैं इस शेयर को पिक भी नहीं करता ओके। मैं क्योंकि फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग शेयर पे बिलीव करता हूँ, बट यहाँ पर अभी जो इसके रिजल्ट है मुझे काफ़ी थोड़े बहुत अट्रैक्टिव लगे। देखिए रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, इंटरेस्ट से जो इनकम हुई है ना इनकी, क्योंकि फाइनेंस है तो ऑब्वियसली बात है इंटरेस्ट से इनकम होगी, तो इंटरेस्ट से जो इनकी इनकम हुई है वो कितनी हुई है, 9,193.90 करोड़ रुपीस के, जो कि लास्ट क्वार्टर कितने थे, 8,749, जो कि काफ़ी ईयर क्वार्टर वाइज बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। और ईयर की बात की जाए तो लास्ट ईयर इसी क्वार्टर में कितने थे, 7,982.83% करोड़ रुपीस के। तो मतलब क्वार्टर वाइज एज वेल एज ईयरली वाइज काफ़ी जंप यहाँ पर नज़र आ रही है, जो ईयरली वाइज तो काफ़ी अच्छी जंप यहाँ पर नज़र आ रही है, लगभग लगभग 1,100 करोड़ रुपये के आसपास ओके। और ओवरऑल की बात की जाए रेवेन्यू टोटल तो 9,231 और 8,751 लास्ट में लास्ट टाइम था, और 80 80 के लगभग 8, मतलब 8,022.54 करोड़ रुपीज़ के यहाँ पर लास्ट ईयर था। तो ईयरली वाइज यहाँ पर नज़र आ रही है काफ़ी अच्छी जंप है ईयरली वाइज ओके, और क्वार्टरली वाइज भी यहाँ पर जंप नज़र आ रही है। टोटल एक्सपेंस की बात की जाए तो देखिए एक्सपेंस की एक्सपेंस तो देखिए इनकम हुई है तो एक्सपेंस भी कहीं ना कहीं बढ़ते हुए नज़र आएंगे, तो एक्सपेंस की बात की जाए लगभग 67,36.40 करोड़ रुपीज़ के यहाँ पर एक्सपेंस है ओके। लास्ट क्वार्टर में 6,648 थे और 6,295 लास्ट ईयर के क्वार्टर में थे। तो ये तो हो गया एक्सपेंस की बात। अगर हम बात करें प्रॉफिट बिफोर बिफोर टैक्स, तो लगभग 2,495 करोड़ रुपये के ओके यहाँ पर प्रॉफिट बिफोर टैक्स है, जो कि लास्ट क्वार्टर में 2,126 थे और उससे पहले 1,728, जो कि क्वार्टरली बिफोर टैक्स में काफ़ी जंप लेकर आ रही है। बट अगर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात की जाए, पैट की बात की जाए, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स एंड PAT की बात की जाए, तो यहाँ पर देख सकते हैं ये फॉर द पीरियड लगभग कितना, 2,085 करोड़ रुपये के, लास्ट क्वार्टर थे 1,699, लगभग 1,700 कह सकते हैं। और अभी लास्ट और लास्ट ईयर की बात की जाए तो 11 सितंबर क्वार्टर ईयरली वाइज तो यहाँ पर लगभग डबल ही कह सकते हैं कि लगभग डबल की जंप देखी गई है, जो कि काफ़ी अट्रैक्टिव हमें नज़र आ रही है। तो इसलिए मैं आपको ये कंपनी लेके आया हूँ ओके। और इस वजह से इनका जो अर्निंग पर रेशो है ओके, वो भी देख लेते हैं। तो देखिए लगभग कितना, 7.90, जो लास्ट क्वार्टर 6.44 था और लास्ट लास्ट ईयर के क्वार्टर में 4.38 था। तो मुझे यहाँ पर इस साल के जो इसके रिजल्ट है इस कंपनी के ओके, काफ़ी बढ़ते हुए नज़र आए, काफ़ी अच्छे नज़र आए, इस वजह से मैंने इस कंपनी को पिक किया है। और थोड़ा बहुत रिस्क तो लेना पड़ेगा, अदरवाइज हमारा पैसा, हम 15-20% ही कमा के रह जाएंगे।
अगर अच्छा पैसा कमाना है तो थोड़ा हमें रिस्क भी लेना पड़ेगा, और अगर कंपनी अच्छा कर रही है, देखिए परफॉर्मेंस कुछ खास नहीं है ओके, बट अगर हम बात करें इस साल के परफॉर्मेंस की, तो कंपनी परफॉर्मेंस दिखा रही है। अगर हमें हमें जैसे बैलेंस शीट में हमने देखा है, इसके में अगर इसका जो रिजल्ट्स देखा है बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं, अगर बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं तो ऑब्वियसली बात है लास्ट ईयर से तो अच्छा परफॉर्मेंस दिया है। तो लास्ट ईयर जब कंपनी 134 135 पे जा सकती है, क्या 150 पे नहीं जा सकती? जा सकती है। तो इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि अगर क्वार्टरली इस क्वार्टर में अच्छे रिजल्ट कंपनी ने पेश किया है, तो हमें ये शेयर बढ़ता हुआ आगे नज़र आ सकता है। तो इसकी तरफ ध्यान दे सकते हैं, अपनी खुद की फंडामेंटल एनालिसिस और कर दीजिएगा, एज वेल एज अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछ लीजिएगा, इसको वॉच लिस्ट में रख लीजिएगा ताकि आप इस शेयर को डेली एनालाइज कर सकते हैं। और अगर मेरे एफर्ट अच्छे लगे हो, वीडियो अच्छे लगे हो, तो लाइक कमेंट शेयर करिए ओके इस वीडियो को, और एज वेल एज हमारे इस चैनल बॉस ऑफ इंडियन शेयर बाजार जो आपका ही चैनल है, इसे सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए फैमिली फ्रेंड्स के साथ, ताकि इस तरीके की वीडियो मैं आपके लिए लाता रहूँ। सो थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस।